हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष मीना, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग ऑप्शंस में होती है, स्पेशली इंडेक्स ऑप्शन में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें ऑप्शन का सही नॉलेज ही नहीं होता। इसी वजह से वो ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन पर एक वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम ऑप्शन के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसकी शुरुआत हम ऑप्शन ग्रिक्स के साथ कर रहे हैं। ऑप्शन ग्रिक्स का नाम सुनते से ही कई ट्रेडर्स को डर लगने लगता है, और जब इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये आसानी से समझ में आते नहीं है। तो हम अपने वीडियो में ऑप्शन ग्रिक्स को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका नॉलेज और ट्रेडिंग दोनों इम्प्रूव हो सके। तो लेट्स हैव अ फ्रेंडशिप विद ऑप्शन ग्रिक्स। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन ग्रिक्स होते क्या हैं। ऑप्शन की प्राइस को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स को ऑप्शन ग्रिक्स कहा जाता है। और आज के भी इस वीडियो में हम अपने पहले ऑप्शन ग्रिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डेल्टा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डेल्टा होता क्या है और हमें ये क्या बताता है। डेल्टा अंडरलाइंग असेट के प्राइस मूवमेंट और ऑप्शन के प्राइस मूवमेंट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। अंडरलाइंग असेट मीन्स किसी भी स्क्रिप्ट का कैश और स्पॉट का प्राइस। कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0 से प्लस 1 के बीच में होता है, वहीं पुट ऑप्शन के डेल्टा की रेंज 0 से माइनस 1 के बीच में होती है। हम हमारे वीडियो में मैक्सिमम एग्जांपल निफ्टी के डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो अगर किसी निफ्टी के कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है, मीन्स अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो उस कॉल ऑप्शन की प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ेगी। वहीं अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो कॉल ऑप्शन की प्रीमियम 50 पॉइंट गिरेगी। वहीं अगर किसी निफ्टी के कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.3 है, मीन्स निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शन की प्रीमियम 30 पॉइंट बढ़ेगी। वहीं अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो कॉल ऑप्शन की प्रीमियम 30 पॉइंट गिरेगी। पुट ऑप्शन की बात करें तो किसी निफ्टी के पुट ऑप्शन का डेल्टा अगर -0.5 है, मीन्स अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो पुट ऑप्शन की प्रीमियम 50 पॉइंट गिरेगी। वहीं अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो पुट ऑप्शन की प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ेगी। निफ्टी का मूवमेंट और कॉल ऑप्शन का प्राइस का मूवमेंट एक डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन होता है। वहीं निफ्टी का मूवमेंट और पुट ऑप्शन के प्रीमियम में अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन होता है। आइए अब डेल्टा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 होता है, वहीं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 से कम होता है। जब ऑप्शन डीप आउट ऑफ द मनी होता है तो उसका डेल्टा लगभग 0 के आसपास हो जाता है। मींस स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट आने के बावजूद भी उस ऑप्शन की प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं आता है। इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 से ज्यादा होता है, और जब ऑप्शन डीप इन द मनी हो जाता है तो उसका डेल्टा लगभग 1 के आसपास हो जाता है। मीन्स ऑप्शन के प्राइस में जितना मूवमेंट आएगा उतना ही मूवमेंट लगभग ऑप्शन की प्रीमियम में आएगा। आइए अब जानते हैं कि डेल्टा की मदद से आप हेज क्वांटिटी कैसे पता कर सकते हो। यहाँ दो केस हो सकते हैं। पहला, आपकी अंडरलाइंग असेट में पोजीशन है, मतलब कैश या फ्यूचर में पोजीशन है, उसको कॉल और पुट के थ्रू कैसे हेज कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी कॉल और पुट में शॉर्ट पोजीशन है, उसको आप अंडरलाइंग असेट के थ्रू मीन्स कैश या फ्यूचर के थ्रू कैसे हेज कर सकते हो। तो आइए पहला केस समझते हैं, जहाँ पर आपकी अंडरलाइंग असेट में पोजीशन है, उसको ऑप्शन के थ्रू हेज करना है। तो यहाँ हेज क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है अंडरलाइंग असेट में क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा। एग्जांपल ले तो अगर आप निफ्टी में एक लॉट लॉन्ग हो, मीन्स 75 क्वांटिटी आपकी लॉन्ग है, जिसको आपको पुट से हेज करना है, क्योंकि यहाँ रिस्क क्या है निफ्टी नीचे जाने का, तो आप पुट बाय करके उसको हेज कर सकते हो। और पुट का डेल्टा अगर 0.5 है तो हेज क्वांटिटी क्या होगी, 75 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल टू 150 क्वांटिटी, मीन्स दो लॉट आपको दो लॉट पुट के लॉन्ग करने पड़ेंगे, तब जाके आप निफ्टी फ्यूचर को हैच कर पाओगे। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास दो लॉट निफ्टी के शॉर्ट है, मीन्स 150 क्वांटिटी निफ्टी की शॉर्ट है, इसको आप कैसे हैच करोगे, कॉल बाय करके। अगर मान लो कॉल का डेल्टा 0.25 है तो हैच क्वांटिटी क्या होगी, 150 डिवाइडेड बाई 0.25 मीन्स 600 क्वांटिटी, मतलब 8 लॉट। तो आपको दो लॉट निफ्टी शॉर्ट है उसको हैच करने के लिए 8 कॉल लॉन्ग करने पड़ेंगे, जिसका डेल्टा 0.25 है। अब आइए दूसरी कंडीशन को समझते हैं, जहां पर आपके कॉल या पुट शॉर्ट है उसको आपको कैश या फ्यूचर से हेज करना पड़ेगा। मींस अगर कॉल पुट शॉर्ट है तो आपको अनलिमिटेड रिस्क है, मार्केट में अगर बड़ा मूवमेंट आ गया तो आप उसको कैश या फ्यूचर से हेज कर सकते हो। तो यहाँ हेज क्वांटिटी का फॉर्मूला अलग होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है डेल्टा इंटू शॉर्ट क्वांटिटी ऑप्शन। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक लॉट SBI का कॉल शॉर्ट है और उसका डेल्टा 0.5 है, तो उसको कैश या फ्यूचर से हैच करना है आपको। तो हैच क्वांटिटी क्या होगी, 0.5 इंटू 3000 मीन्स लॉट साइज इक्वल टू 1500 क्वांटिटी।
मतलब आपको 1500 SBI कैश में लॉन्ग करने पड़ेंगे तब आपने आप कॉल को हैज कर सकते हो। फ्यूचर में तो लॉट साइज 3000 का होता है तो आप फ्यूचर से हैज नहीं कर पाओगे, तो आपको 1500 कैश में बाई करने पड़ेंगे तभी आप SBI को हैज कर पाओगे। दूसरी कंडीशन है आपके दो लॉट SBI के पुट शॉर्ट है जिसका डेल्टा 0.5 है, तो इसको आप हैज कैसे करोगे कैश या फ्यूचर से, तो आप उसकी क्वांटिटी होगी 0.5 × 6000 मीन्स 3000 क्वांटिटी, या एक लॉट आपको क्या फ्यूचर का शॉर्ट करना पड़ेगा या 3000 क्वांटिटी कैश में शॉर्ट करनी पड़ेगी आपके दो लॉट पुट जो शॉर्ट है उसको हैच करने के लिए। तो इस तरीके से आप डेल्टा का यूज करके अपनी पोजीशंस को हैच कर सकते हो। आइए अब हम डेल्टा का एक इंटरेस्टिंग यूज डिस्कस करते हैं, जहां डेल्टा की मदद से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किसी ऑप्शन के इन द मनी बंद होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 होता है, मीन्स 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और 50% चांस होते हैं कि वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.4 है, मीन्स 40% प्रोबेबिलिटी है कि वो इन द मनी बंद होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 10,000 चल रहा है और निफ्टी के 10,200 के कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.3 है, मीन्स 30% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 10,200 के ऊपर बंद होगा। वही 9800 के पुट ऑप्शन का भी डेल्टा अगर 0.3 है, मींस 30% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 9800 के नीचे बंद होगा। ऑप्शन राइटिंग में इसका काफ़ी यूज किया जाता है क्योंकि कई प्रोफेशनल ऑप्शन राइटर 1:100 डेविएशन का यूज करते हैं, मींस वे उन ऑप्शन को राइट करते हैं जिनका डेल्टा 0.3 से कम होता है, अर्थात जिन ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी 30% से कम होती है इन द मनी बंद होने की वो उन्हीं ऑप्शंस को राइट करते हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शन के डेल्टा का यूज करके ऑप्शंस के इन द मनी होने बंद होने की प्रोबेबिलिटी को पता कर सकते हो। हम ऑप्शन ग्रीक्स को तो समझ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू आखिर देखें कहाँ से। इसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं जनरली क्वांटसेप का यूज करता हूँ। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है और वेब वर्जन भी है, तो अभी हम देखेंगे कि इसके वेब वर्जन के थ्रू हम ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू कैसे देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्वांटसेप की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जिसकी लिंक है quantsep.com। इसमें जाओगे तो आपको वेब ऐप का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करिएगा तो एक ऑप्शन एनालिसिस का एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेन्यू में जाना है, मेन्यू में चेन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन खुल जाएगी। यहाँ आपकी निफ्टी की अलग अलग स्ट्राइक पर इसकी ऑप्शन प्रीमियम भी दी हुई है, साथ में ऑप्शन ग्रिक्स की वैल्यू भी दी हुई है। देखिए यहाँ पर डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा सभी की वैल्यू दी हुई है, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। आप यहां से सिंबल चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे SBI की ऑप्शन चेन देखनी है तो मैं SBI का सिंबल टाइप करूंगा तो मेरे सामने SBI की ऑप्शन चेन खुल जाएगी। यहां हर स्ट्राइक की प्रीमियम और उसके ऑप्शन ग्रिक्स की वैल्यू दी हुई है। तो इस तरीके से आप किसी भी सिंबल की ऑप्शन ग्रिक्स की वैल्यू देख सकते हो। एक्चुअली इसके कई सारे फीचर्स पेड है लेकिन ऑप्शन चेन वाला फीचर फ्री है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट के अलावा एक ऑप्सा भी अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑप्शन एनालिसिस के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट और एक ऑप्सा, ये दो प्लेटफॉर्म है जनरली मैं प्रिफर करता हूँ। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि डेल्टा की वैल्यू स्टडी नहीं होती है, डेल्टा की वैल्यू में भी चेंज आता है। मीन्स इनिशियली आपने कैलकुलेट किया था कि डेल्टा 0.5 है, मीन्स निफ्टी में 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो ऑप्शन की प्रीमियम में 50 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, तो एग्जैक्टली उतना मूवमेंट नहीं आता है क्योंकि डेल्टा में चेंजेस आ जाते हैं। और डेल्टा में इस चेंजेस को बताता है गामा, जिसको हम अगले वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।